कैसा मतलब? ऑब्वियसली फेयर एंड हैंडसम। अब सपनों का राजकुमार तो प्रिंस चार्मिंग ही होगा, है ना? अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देता है तो कैसे देता है? प्यार से उसको एक बढ़िया से गिफ्ट रैप में रैप करके, है ना? बिल्कुल वैसे जब गॉड ने मेरे लिए कोई लड़का बनाया था तो उसे भी बहुत चार्मिंग और बहुत खूबसूरत बनाया होगा। वैसे भी आराध्या को सबसे बेस्ट ही मिलता है। जैसे देखो ना, बेस्ट मम्मी, बेस्ट पापा, बेस्ट दीदी, यहाँ तक कि बेस्ट जीजू भी। आराध्या बहुत जिद्दी है, ये बात गॉड को भी पता है। इसीलिए मुझे जो चाहिए वो बस चाहिए, नहीं तो मैं तो भाग जाऊंगी। हाँ एक्चुअली ना, और एक बात है, जो नेचुरली ब्यूटीफुल होता है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे देखो, अगर मैं किसी शॉप में जाती हूँ तो वहाँ पे सबसे बढ़िया जो ड्रेस होगी उसी पर जाके मेरी नज़र सबसे पहले अटक जाती है। ये जो बेस्ट और ब्यूटीफुल से एक बचपन का कनेक्शन है मेरा। जैसे देखो ना, इतने सारे आर्जेस है पर मुझे कौन पसंद है? दी बेस्ट एहसास। एहसास उसकी आवाज़ से मुझे पता चल जाता है। एक्चुअली ना, आई कैन बेट वो सबसे फेयर, हैंडसम, चार्मिंग और बहुत गुड लुकिंग होगा। जस्ट मेड फॉर मी।